नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। सरकारी मुलाजिमीन की भर्ती में धोखाधड़ी, आईन पर हमला है, राहुल गांधी का बयान। पसमानदा तबकात को आला ओहदों से महरूम करने की साजिश का मोदी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, कांग्रेस सदर और राहुल गांधी ने दी अहले वतन को रक्षाबंधन की मुबारकबाद। मोदी ने बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। सुप्रीम कोर्ट मंगल को कोलकाता डॉक्टर के इस्मत दरी व कत्ल केस की आज खुद समाअत करेगी। पूरे मुल्क में डॉक्टरों की एहतजाज का सिलसिला जारी। कोलकाता के हालात के पेश नज़र ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के माबैन फुटबॉल मैच भी मनसूख कर दिया गया। मद्दाहों में नाराजगी। और कुवैत और हिंदुस्तान के ताल्लुकात आने वाले वक्तों में मजीद गहरे होंगे। कुवैती सरबराह से मुलाकात के बाद वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर का बयान। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और पेश खबरों की तफसील। लोकसभा में कायद अपोजिशन और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी हुकूमत पब्लिक सर्विस कमीशन के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के जरिए सरकारी मुलाजिमीन की भर्ती कर रही है और उसके साथ ये एक धोखा है और ये आईन पर भी हमला है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए सरकारी मुलाजिमीन की भर्ती करके आईन पर हमला कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों में लेटरल एंट्री के जरिए अहम ओहदों पर भर्ती करके एसटी और ओबीसी जुमरों के लिए रिजर्वेशन खुले आम छीन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि आला ब्यूरोक्रेसी समेत मुल्क के तमाम आला ओहदों पर पसमानदा अफराद की नुमाइंदगी नहीं है। इसको बेहतर करने के बजाय उन्हें लेटरल एंट्री के जरिए आला ओहदों से हटाया जा रहा है। ये यूपीएससी की बुनियादी तैयारी करने वाले बासलाहियत नौजवानों के हकूक पर डाका और पसमानदा अफराद के लिए रिजर्वेशन समेत समाजी इंसाफ के तसव्वुर पर हमला है। भाई बहन की मुकद्दस मोहब्बत का त्यौहार रक्षाबंधन इतवार को मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इसके साथ ही सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी और दीगर लीडरों ने भी भाई बहन के इस त्यौहार पर आवाम के तहत नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुबारकबाद के पैगाम दिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने भाई बहन की मोहब्बत की अलामत रक्षाबंधन पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। खड़गे ने अपने पैगाम में कहा कि रक्षाबंधन के मुकद्दस त्यौहार पर सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ये है बेपनाह मोहब्बत, गैर मुतजलजल प्यार और भाई बहन के कीमती रिश्ते की अलामत। ये मुनफरिद त्यौहार जो ज़ात पात, मज़हब और मसलक से बालातर है और बाहमी भाईचारे और हम आहंगी को फ़रोग देता है। हिंदुस्तानी माशरे में ख्वातीन को यकसा अहमियत देता है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि राखी का यह त्यौहार तमाम हम मतनों की जिंदगियों में मोहब्बत, हम आहंगी, यकजहती और बाहमी खैर सगाली के रिश्तों को मजबूत करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि भाई और बहन के दरमियान अटूट प्यार और मोहब्बत के त्यौहार रक्षाबंधन पर सभी हम वतनों को बहुत बहुत मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। तहफ़ुज़ का यह धागा आपके मुकद्दस रिश्ते को हमेशा मजबूती से जोड़े रखे। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने वजीर आजम को राखी बांधी और नज़में भी सुनाई। वजीर आजम बहुत देर तक बच्चों से बातें करते रहे और उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई भी की। सुप्रीम कोर्ट ने मबरी बंगाल के कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की मुबैना इस्मत दरी और कत्ल के मामले का आज खुद नोटिस लिया और 20 अगस्त को इसकी समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस DY N Chandrachud, जस्टिस JP पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 20 अगस्त यानी मंगल को आज खुद केस की समाअत करेगी। 9 अगस्त को हॉस्पिटल की ड्यूटी के दौरान एक खातून डॉक्टर के साथ मुबैना तौर पर एक शर्मनाक वाक़ा पेश आया।
उस मामले पर पूरे मुल्क में जारी डॉक्टरों के एहतजाज के दौरान 14 अगस्त को नामालूम अफराद के हजूम ने हॉस्पिटल पर हमला कर दिया, जिससे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। पूरे मुल्क में डॉक्टरों की जानिब से डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल केस के खिलाफ मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इस दौरान एम्स और दिल्ली के दीगर अस्पतालों के रेसिडेंट डॉक्टरों ने पीर के रोज़ निर्माण भवन में वजारत सेहत के सामने सड़क पर मुफ्त ओपीडी खिदमात शुरू करने का ऐलान किया है। एम्स के रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज के जरिए यह जानकारी देते हुए कहा कि जब तक हमें मरकजी तहफ़ कवानीन के तवसुस से हॉस्पिटल्स में वाफर तहफ़ की यकीनदानी नहीं मिल जाती, तब तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। इस दौरान डॉक्टरों ने मुत्तफ़िका तौर पर हड़ताल जारी रखने का फैसला भी किया है। एसोसिएशन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत उनके मुतालिबात पर तवज्जो नहीं दे रही है। इस दौरान पद्मा अवार्ड याफ्ता डॉक्टरों ने वज़ीर आज़म से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की है। Over the last few decades got together and have written to our Prime Minister Modi to actually take personal interest in this matter to see that the culprits are brought to book and get the strictest possible punishment. Also what we have requested is that a new separate law for protection of doctors, healthcare professionals and healthcare institutions be brought in very quickly so that no one dares to even talk or do verbal abuse against healthcare professionals and healthcare workers, what to talk about physical abuse. I'm sure joining our voice with the rest of the country we will be heard and very quick steps will be taken so that healthcare workers feel protected wherever they work, be it in hospitals, public or private, their own clinics or in diagnostic centers, and are able to carry out their duties in a free manner without having any of the problems that they face, so that they are able to concentrate on giving the best to the suffering patients who come to them. We strongly condemn the heinous crime against our colleague at Calcutta. We request Honorable Prime Minister to take decisive and immediate action against the perpetrators. We request the Prime Minister to bring a law to protect the healthcare workers, and a decisive action should be taken so that such kind of incidences do not. इस दौरान आरजी कार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष ने आज यानी 19 अगस्त को मुसलसल चौथे दिन सीबीआई के दफ्तर पहुंचे। संदीप घोष से ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल केस की जारी तहकीकात के सिलसिले में पूछगछ की जा रही है। इससे कबल तहकीकाती एजेंसी ने आरजी कार हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्सिंग अमले, वार्ड बॉयज और सिक्योरिटी गार्ड से पूछगछ की। सीबीआई तमाम पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता के एक सरकारी हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल के होलनाक वाक़े पर कड़ी तनकीद करते हुए ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना था कि इस तरह के अलमनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे अकदामात की जरूरत है। आज वहाँ की फोर लेन दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वहाँ के मार्ग उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहाँ का एयरपोर्ट अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और जब आपने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 लैंड अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या?
पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। दूसरा, अयोध्या में कोई भी लैंड आवंटित नहीं की गई तो इस प्रकार की फेक न्यूज क्यों देते हैं? एक दिन फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई, यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कड़घरा में खड़ा करने का यह प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके, नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है, अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले समाजवादी पार्टी सरबरा अखिलेश यादव ने करप्शन, महंगाई समेत कई मसाइल पर अपना रद्देमल जाहिर किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि करप्शन और महंगाई से निजात के लिए बीजेपी से आज़ादी जरूरी है। उन्होंने कहा कि रियासत में इंजीनियर घोटाला कर रहे हैं, सुल्तानपुर में एक इंजीनियर का कत्ल होता है और वजीर आला आए रोज अमन व अमान की बात करते हैं। इंजीनियर का कत्ल जाहिर करता है कि बर्दाश्त सिफर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अफसरान रोज बदउनवानी कर रहे हैं, एक पोस्ट इंचार्ज किसी प्रधान पर एसी लगाने के लिए दबाव डाल रही है। इनका कहना है कि बीजेपी से आज़ादी मिलने के बाद ही हमें करप्शन और गरीबी से आज़ादी मिलेगी। बीजेपी से आज़ादी का मतलब मसाइल से आज़ादी है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कुवैत के एक रोज़ा दौरे के दौरान मेज़बान मुल्क के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अल याह्या के साथ दो तरफ़ा और इलाकाई और बैनुल अक़वामी अहमियत के अहम मसाइल पर इतवार को कुवैत के एतमाद का इजहार किया कि आने वाले वक्त में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल सबा से भी मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसत देने के बारे में उनकी राय तलब की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कुवैत के वली अहद को मुबारकबाद पेश की। इसी पोस्ट में कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी और दोस्ती के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कुवैत से लौटने के बाद आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में नेपाल की वज़ीर ख़ारजा आज़ू राणा देवबा के साथ मुलाकात की। इस मौके पर वफूद सदे की मीटिंग भी हुई। बाहमी ताल्लुकात व दीगर उमूर पर जयशंकर ने अपने नेपाली हम मनसब से सैर हासिल गुफ्तगू की। ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के दरमियान 18 अगस्त को मुनाकिशदनी मैच को मनसूख करने के बाद फुटबॉल के मद्दाहों में गमो गुस्सा पाया जाता है। इस वाक़े पर बात करते हुए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सदर कल्याण चौबे ने कहा कि फुटबॉल सियासत से बालातर है और अगर मैच होता है तो किसी किस्म का हंगामा नहीं होगा, क्योंकि शायकीन अपनी अपनी टीमों को पुरमन तरीके से सपोर्ट करेंगे। कोलकाता हॉस्पिटल के अलमनाक वाक़े पर मज़ीद बात करते हुए कल्याण चौबे ने जोर देकर कहा कि फुटबॉल के शायकीन भी चाहते हैं कि मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। ईस्ट बंगाल और मोहन बगान और इसमें आज जितने पुलिस इस मैच को रोकने के लिए दिया गया था और जो मैच देखने के लिए जितने सपोर्टर्स आए हुए थे उनको अरेस्ट करने के लिए आज जितने बंगाल के पुलिस को लगाया गया उसके आधा पुलिस भी दिया जाता तो भी आज ये मैच हो पाता। तो आज वो आधा पुलिस दिया जाता, जितना पुलिस आज दिया है इस मैच को रोकने के लिए, जितना पुलिस आज दिया गया है इस मैच के डिमांड के लिए जो आए हुए फैन को सपोर्टर्स को अरेस्ट करने के लिए उससे आधा पुलिस देता तो मैं समझता कि यहाँ आज ईस्ट बंगाल मोहन बगान मैच हो पाता। मैं समझता हूँ कि फुटबॉल के लिए बहुत ही निंदा की बात है ये और मैं इसकी कट्टोर निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोलकाता जो कि फुटबॉल की हब है, इतने हजारों पुरुष और महिला सारे आए हैं फुटबॉल के सपोर्ट में, क्यों यहाँ के मैच जमशेदपुर जाएगा, क्यों यहाँ के मैच शिलोंग जाएगा,
यहाँ के मैच यही होनी चाहिए, मोहन बगान के मैच यहाँ होना चाहिए, ईस्ट बंगाल के मैच यहाँ होना चाहिए और मोहरन के मैच भी यही होनी चाहिए, ताकि यहाँ के जो सपोर्टर्स है या और मैं, फुटबॉल जो है किसी राजनीति में नहीं है, सारे रंग के ऊपर है, सारे धर्म के ऊपर है, जाति के ऊपर है, फुटबॉल एक खेल है। मुझे पूरा विश्वास है आप मैच यहाँ कराए, फुटबॉल मैदान में कोई हंगामा नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगा, सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने टीम को सपोर्ट करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन मैच यहाँ से हटाना नहीं चाहिए, और मैं समझता हूँ कि सारे लोग जिस तरह से डॉक्टर जो आरजी कर में जो हादसा हुआ है, जिसकी न्याय विचार के लिए सारे दुनिया आज आया है, उसमें फुटबॉल का भी योगदान। दूसरी जानिब ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के हामियों ने साल्ट लेक स्टेडियम के करीब आरजी कार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में इस्मत दरी और कत्ल केस के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। वो मैच के मनसूख होने पर भी नाराज थे। मैच के मनसूख होने पर फुटबॉल मद्दाहों ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, हम मशरकी बंगाल और मोहन बगान के हामी मैच देखने के लिए यहाँ आए थे, मगर पुलिस ने कहा था कि वो तहफ्फुज़ फराहम नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैच मनसूख कर दिया गया। हम लोग मोहन बगान ईस्ट बंगाल बाद में पहले भारतीय, एक भारतीय नारी के ऊपर अत्याचार हुआ है, इस अत्याचार जो कोई वर्ड नहीं है इस अत्याचार को एक्सप्लेन कर सके, और हम लोग यहाँ पर एकदम शांतिपूर्ण प्रतिवाद कर रहे थे, और ये पुलिस लोग, इन जैसे एजुकेटेड जो अच्छे लोग है, आदमी जो इस समाज का इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया बिना कोई कारण नहीं है, बिना कारण का लाठीचार्ज किया, बहुत महिला के ऊपर लाठीचार्ज किया, और ऐसा भी बात है मोहन बगान और ईस्ट बंगाल का जो फ्लैग है उसके ऊपर पार मोड़ के चला गया। हम इस पुलिस प्रशासन दो दिन पहले आप देखे आजीकड़ में जो कांड हुआ, ये लोग उन लोग का डर में बाथरूम में बैठ गया था, तो ये लोग क्या है, क्या करेगा, एक राज्य को कैसे संभालेगा, संतास को कैसे संभालेगा, ये लोग कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ किसी का तरफदारी कर सकता है, इन लोग को चला जाना चाहिए, अपने आप अपने मन के अंदर से रेजिग्नेशन देकर चला जाना चाहिए इन लोग को। ये लड़ाई सिर्फ ईस्ट बंगाल मोहन बगान के नहीं है, ये पूरा भारतीय का लड़ाई है। ये आपका एक लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ, हम लोग का जो फेमस डर्बी है, जो इतना सालों से मोहन बगान ईस्ट बंगाल का पूरा दर्शक यहाँ पे आके जमा होता है, खेला एंजॉय करता है, वो रातों रात बंद कर दिया। ऊपर से हम लोग के ऊपर जो भी आ रहा था यहाँ पे सबका ऊपर लाठीचार्ज किया, सबको गाली दिया, ठीक है, किसी का फ्लैग के ऊपर से पाव ओढ़ के चला गया, अरेस्ट करने लगे थे, वो किसी को अरेस्ट किया, किसी को ऊपर किसी को फोन करके हमकी दिया के ये मिचिल वगैरह मत कीजिएगा, ये आपका जमायत मत कीजिएगा, ये सब किया है कोलकाता पुलिस, विधाननगर पुलिस सब मिलके। घर से लड़कियां नहीं बाहर निकल रही है, और आज का खेला भी बंद हो गया, आज बहुत महत्वपूर्ण मैच था, फिर भी हम लोग को ऐसे, मतलब इतना पुलिस फोर्स जो था कहाँ पे था, हम लोग का खेला भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, ऐसा हमारा दावी है। और आज जो मतलब जो आज देश में जो हो रहा है ना, लड़कियों को बाहर नहीं ले जा सकता है रात में, क्यों नहीं जा सकता, वो भी तो इंडिपेंडेंट है ना, इसलिए हमारा जो दावी है एक साथ हम लोग ये मिचिल जो ले आए, जो हम क्यों नहीं खेल, आज क्यों खेला बंद हुआ, और क्यों लड़कियाँ नहीं घर से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए हम यहाँ एक साथ हुए, हम एक साथ आगे बिकॉज ऑफ आरजीगढ़ इंसिडेंट। भाई क्या हुआ, देखा नहीं जा सकता है क्या भाई, इधर पुलिस लोग बोल रहे थे प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा, इसलिए मैच बंद कर दिया, टीफो बैन कर देना तो मैच तो होना चाहिए था, इतना पुलिस फोर्स कहाँ से आ गया, मेरा एक ही क्वेश्चन है, पुलिस लोग बोला था कि पुलिस नहीं फोर्स दे सकता है, इसलिए मैच कैंसिल कर दिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन का पीर को चेन्नई में उनकी रिहायशगाह पर देहांत हो गया। उनकी उम्र 83 बरस थी। फौजी हलकों में वो अपने निक नेम पेडी के नाम से मशहूर थे। उनके पसमंदगान में अहलिया, बेटी और एक बेटा है। दिफाई जराए ने बताया कि जनरल पद्मनाभन की बेटी और बेटा आज रात अमेरिका से यहाँ पहुँचेंगे और कल शाम उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। सरकारी मुलाजमीन की भर्ती में धोखाधड़ी, आइन पर हमला है, राहुल गांधी का बयान। पसमानदा तबकात को आला ओहदों से महरूम करने की साजिश का मोदी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, कांग्रेस सदर और राहुल गांधी ने दी अहले वतन को रक्षाबंधन की मुबारकबाद।
मोदी ने बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। सुप्रीम कोर्ट मंगल को कोलकाता डॉक्टर के इस्मत दरी व कत्ल केस की आज खुद समाअत करेगी। पूरे मुल्क में डॉक्टरों की एहतियात का सिलसिला जारी। कोलकाता के हालात के पेश नजर ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के माबेन फुटबॉल मैच भी मंसूख कर दिया गया। मद्दाहों में नाराजगी। और कुवैत और हिंदुस्तान के ताल्लुकात आने वाले वक्तों में मजीद गहरे होंगे। कुवैती सरबराह से मुलाकात के बाद वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर का बयान। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।